सेशन सिक्स इंटरनेट सर्विसेज। लास्ट लेसन इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस था, जिसमें हमने इंटरनेट के बेसिक्स पढ़े थे, जैसे इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट्स, वेब पेज, वेब पोर्टल, वेब ब्राउज़र, वेब ब्लॉग्स, ये सब देखे थे हमने। आज हम पढ़ेंगे ईमेल, यूजिंग सर्च इंजन, सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेंगे। ईमेल, द मोस्ट वाइडली यूज टूल ऑन द इंटरनेट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। Email is used to send written messages between individuals or group of individuals, often geographically separated by large distances. Email का use हम mostly message भेजने के लिए करते हैं, जो कि हम internet के through भेजते हैं। Email messages are generally sent from and received by mail servers. Email भेजने के लिए mail server होते हैं। Once a server has received a message, it directs it to the specific computer that the mail is addressed to. जब हम कोई मेल भेजते हैं तो सर्वर के पास जाती है और सर्वर उस मेल को आगे फॉरवर्ड करता है जहाँ पे वो जानी होती है। टू सेंड ईमेल द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, अ वेरी कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे टू ट्रांसमिट मैसेज। ईमेल हैज ड्रामेटिकली अफेक्टेड साइंटिफिक, पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ईमेल जो है कोई मैसेज भेजने का बहुत ही ईजी और इनएक्सपेंसिव तरीका है, तो इसलिए इसका यूज हर बिजनेस में होता है। ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस, ऑल्दो सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल इज एक्सट्रीमली सिंपल, हाउएवर देर आर अ फ्यू पैरामीटर्स यू मस्ट बी क्लियर अबाउट बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स। बहुत ईजी है मेल भेजना, बट कुछ बातें तो पता होनी चाहिए। वन सच पैरामीटर इज ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या चीज़ है? Email address commonly take this form: username @hostname. Here are a number of typical email addresses. कुछ ये email address दिए हुए हैं। Here you see that before the character @, the email account holder's net name appears, and after @, the name of the net server appears, which hosts this email address. @ से पहले जो लिखा होता है वो अकाउंट होल्डर का यूजर नेम होता है, और @ के बाद जो लिखा होता है वो सर्वर नेम होता है जिस सर्वर पे हमारी मेल बनी होती है। दैट इज इन द एड्रेस wada.sachin@informit.com. wada.sachin इज द नेट नेम ऑफ द यूजर एंड informit.com इज द नेम ऑफ द सर्वर होस्टिंग इट। wada.sachin जो यूजर नेम है और इसकी ID informit.com पे बनी हुई है। सिमिलरली इन ईमेल ID akasa@hotmail.com, akasa is the net name of the user and it is hosted on the server hotmail.com. thus we see that an email address has two parts separated by @ symbol. ek part is username, second part is domain name or the host server. on the left side of @separator is a username. a username cannot have blanks. यूजरनेम के बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होता है, इसमें डॉट या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ईमेल प्राइमर, ईमेल के बारे में थोड़ा और जानेंगे। बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट। ईमेल भेजने के लिए सबको पता होता है कि ईमेल आईडी जरूरी होती है। यू कैन हैव ईदर अ वेब बेस्ड ऑनलाइन ईमेल अकाउंट और एन ईमेल अकाउंट ऑन योर ISP सर्वर। फ्री अकाउंट होता है या ISP वाला पेड होता है। However, as you must be knowing that email account on ISP server is a paid account and a web-based email account is generally free. So here we will be discussing how you can create a free web-based email account and use it for sending and receiving email. Creating a web-based email account. Email account कैसे बनाएंगे? You can create your web-based free email account upon many sites. काफी सारी sites होती हैं इसके लिए जिसमें हम मेल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए हुए ये, यू कैन लॉग ऑन टू एनी ऑफ दीज साइट्स एंड देन रजिस्टर देयर एज ए न्यू यूजर। किसी भी साइट को हम ओपन करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
वी आर सेलेक्टिंग द साइट www.gmail.com फॉर दिस पर्पज. यहाँ पर हम जीमेल यूज करेंगे. इन द फॉलोइंग लाइन्स यू विल सी हाउ वन कैन क्रिएट वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट. कैसे बनाएंगे मेल आईडी हम देखते हैं. गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट, लॉग ऑन टू साइट gmail.com. टू रजिस्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्लिक एट साइन अप फॉर जीमेल. एक बटन होता है साइन अप फॉर जीमेल, उस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो आएंगी उनको फॉलो करना होता है. यू कैन ऑल्सो यूज ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. अगर हम कोई ब्राउजर यूज नहीं करना चाहते तो हम ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं. उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जिसका काम होता है हमारे मेल्स को मैनेज करना, हमारे मेल्स को रिसीव करना, उनको रीड करना. कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे मोजिला थंडरबर्ड है, पोस्ट बॉक्स एक्सप्रेस है, ईएम है, या फिर विंडोज लाइव मेल, क्लास मेल, जिम्ब्रा सूट, ओपेरा मेल एक्सेट्रा. इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है. व्यूइंग रिसीव्ड मेल्स. अब हमारे पास इनबॉक्स में मेल होते हैं, उनको ओपन कैसे करते हैं, उनको देखते कैसे हैं. वंस यू हैव क्रिएटेड योर वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट देन यू कैन लॉग इन इट एंड व्यू योर मेल. आईडी बनने के बाद हम अपने मेल को खोल के चेक कर सकते हैं. फॉर दिस यू विल हैव टू गेट बैक टू द वेब पेज दैट अलाउज यू टू लॉग इन टू योर मेल अकाउंट. इसके लिए हमें वो वेब पेज खोलना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस वी हैव क्रिएटेड अ मेल अकाउंट ऑन gmail.com, सो वी विल हैव टू गो टू वेब पेज www.gmail.com. अब हमने आईडी जीमेल पर बनाई है तो अपना gmail.com अकाउंट ओपन करेंगे. Following steps will guide you how to view mail in your mail account. First step is go to Gmail web page. Gmail.com open karenge. In this web page type your newly created login and password in front of username and password. Yahan par hame do box dikhenge username aur password ke. Wahan par apna user ID aur password enter karenge. And then click in sign in button. Second is and here you are. अपनी आईडी लॉगिन हो जाती है. यू विल सी अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस अलोंग विद डिटेल्स लाइक फ्रॉम सब्जेक्ट डेट एक्सेट्रा. हमें एक लिस्ट बनी हुई दिखेगी जिसमें हमारे पास ये डिटेल्स होंगे कि मेल का सेंडर कौन है, मतलब फ्रॉम किसने भेजी है, सब्जेक्ट क्या है, डेट मीन्स कब भेजी है, किस टाइम भेजी है. टू व्यू अ मैसेज मूव योर कर्सर ऑन सब्जेक्ट डिटेल्स ऑफ द मैसेज. व्हेनेवर योर कर्सर चेंजेस टू अ हैंड सिंबल क्लिक हियर देयर टू व्यू इट. सिंपल है, एक किसी भी मेल के ऊपर माउस को ले जाएंगे और वहां पर क्लिक कर देंगे तो मेल ओपन हो जाएगी. रिप्लाइंग और फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज. मेल को रिप्लाई करना है या फॉरवर्ड करना है तो हमें रिप्लाई या फॉरवर्ड पे क्लिक करना होता है. When you click at reply button, it takes you to the compose window where automatically the address of the sender appears in front of two box. That is, the sender becomes recipient of reply message. जब भी हम reply पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा sender था, जिसने हमें mail message send की थी, वो अब receiver बन जाता है. तो उसका address automatically two box में आ जाएगा. Now in this compose window you can write your reply mail message and send it. और वहाँ पर अपनी उस विंडो में अपना मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे. If you have received a joke or some interesting or useful piece of information, you may want to send that same message to someone else. अगर हमें मैसेज कोई फॉरवर्ड करना है, कोई मेल फॉरवर्ड करनी है, तो एक बटन होता है फॉरवर्ड का, उस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद हमें जिस जिसको मेल फॉरवर्ड करनी है उन सबके एड्रेस टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे. When you log into your email account, your email server takes you into a folder called inbox. जब भी हम अपना कोई लॉगिन अकाउंट करते हैं तो हमारे सामने जो विंडो खुलती है वो होती है इनबॉक्स विंडो. इनबॉक्स इज द नेम ऑफ फोल्डर दैट स्टोर्स योर रिसीव्ड मेल्स. जितनी मेल हमारे पास रिसीव होती हैं वो सारी मेल्स इनबॉक्स फोल्डर में स्टोर होती हैं. There are many other folders too. और भी कई सारे folders होते हैं. Structure of an email message. हमने कोई mail किसी को send करनी है तो उसमें हमें क्या interface मिलेगा, कैसा उसका look होगा, क्या उसमें दिखेगा. सबसे ऊपर होता है from.
जिसने हमें मेल भेजी है, जो हमारा सेंडर है, जहाँ से हमारे पास मेल आई है, उसका एड्रेस फॉर्म में लिखा होता है। एड्रेस के साथ साथ इसमें उसका नेम भी लिखा होता है। टू, दिस इज द एड्रेस ऑफ एड्रेसी टू विच द मेल इज सेंट। जिसको मेल भेजी गई है उसका एड्रेस इसमें आता है। सी सी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। इसमें मेल की कॉपी किसी और को भेज सकते हैं। हियर यू कैन स्पेसिफाई द एड्रेस या एड्रेसेस ऑफ टू दोज होम यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मेल। जिसको हमने मेल की कॉपी भेजनी है उनके नेम सी सी में टाइप कर देंगे। द सी सी रेसिपियंट्स नेम इज विजिबल टू ऑल रेसिपियंट्स। सी सी कॉलम में जितने भी एड्रेस हम टाइप करेंगे वो सबको विजिबल होंगे। बी सी सी इज फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसकी वर्किंग भी जैसे सी सी की होती है वैसे ही होती है। इसमें भी हम मल्टीपल रेसिपियंट्स के भेजने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सी सी में बी सी सी में डिफरेंस ये है कि सी सी में जो हमने नेम टाइप किए थे वो नेम सबको विजिबल होंगे, लेकिन बी सी सी में जो नेम हमने टाइप किए थे वो नेम बाकी दूसरों को टाइप विजिबल नहीं होंगे, लेकिन बी सी सी वालों को सबके नेम दिखेंगे कि किस चीज को मेल सेंड की गई है। सब्जेक्ट, अ शॉर्ट टाइटल फॉर द मेल। कोई मेल लिखी है हमने, उसका जो किस बारे में मेल है उसका टाइटल क्या है वो सब्जेक्ट कॉलम में लिखते हैं। इट आइडियली शुड स्पीक अबाउट कंटेंट ऑफ द मैसेज। हमने मेल में क्या लिखा है वो उसमें पता होना लगना चाहिए। बॉडी, द मैसेज, जो हमने मैसेज टाइप करना है उसे बॉडी बोलते हैं। अटैचमेंट, यू कैन अटैच वन और मोर पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर विद योर ईमेल। हम मेल में कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई पिक्चर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दूसरी फाइल है। सम कंप्यूटर स्पेसिफाई मैक्सिमम साइज फॉर द मेल दे कैन हैंडल एंड सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड इफ यू इंटेंड टू सेंड वेरी बिग अटैचमेंट्स। मेल के थ्रू हम एक लिमिटेड साइज तक की अटैचमेंट फाइल भेज सकते हैं, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी चाहिए। डेट, दिस इज द डेट एंड टाइम ऑन विच द मैसेज वाज सेंट फ्रॉम द सेंडर्स कंप्यूटर। कोई मेल कब भेजी गई थी वो डेट और टाइम होता है। मैसेज आईडी, एवरी मैसेज विल हैव अ यूनिक आईडी व्हिच इज यूज्ड टू ट्रैक रिप्लाईज टू इट। हर एक मेल की एक आईडी बनती है, ये हम एक्सेस नहीं कर सकते ना हम इसको देख सकते हैं। द मैसेज आईडी इज नॉट विजिबल टू अस, रादर इट इज यूज्ड इंटरनली बाय द ईमेल प्रोग्राम एंड ईमेल सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर है ईमेल का वही यूज करते हैं इसको। ये डायग्राम में सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेंडिंग मेल, मेल सेंड कैसे करेंगे। आफ्टर लॉगिंग इन टू योर ईमेल अकाउंट यू नीड टू क्लिक एट कंपोज फॉर न्यू मेल और कंपोज मेल। किसी में कंपोज होता है, किसी में न्यू मेल, किसी में कंपोज मेल नाम से बटन होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। इन द कंपोज मैसेज विंडो यू विल सी वेरियस फील्ड्स। एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी, उसमें हमारे पास कई सारे बटन कॉलम दिखेंगे। टू सी सी बी सी सी सब्जेक्ट ये हमने पीछे पढ़े थे, अभी भी सारे हैं। इस टाइप से होता है स्ट्रक्चर मेल भेजने के लिए। जैसे हमारे पास टू है, एड सी सी एड बी सी सी, अगर चाहें तो हम ये ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट डाल देंगे, कोई फाइल अटैच करने तो अटैच फाइल बटन है। यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे, मैसेज लिखने के बाद हम इसको यहाँ से, ये बटन है सेंड का, यहाँ से सेंड कर देंगे। फिल इन द डिटेल्स ऑफ ईमेल मैसेज एंड राइट द टेक्स्ट ऑफ मैसेज इन द बॉक्स डेजिग्नेटेड फॉर इट। डिटेल्स भर देंगे और मैसेज बॉडी वाले बॉक्स में मैसेज लिखेंगे। अगर कोई फाइल अटैच करनी है तो अटैच बटन है, अटैच ए फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंप्यूटर में जहाँ पर फाइल है वहाँ से उसको ब्राउज करके निकाल लेंगे। वंस यू आर थ्रू विद कंपोजिंग द ईमेल मैसेज क्लिक एट सेंड बटन एंड योर ईमेल विल बी सेंड टू द रेसिपिएंट्स इनबॉक्स इन नो टाइम। सारी मेल तैयार होगी। टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, फाइल अटैच कर ली, मैसेज लिख लिया, सारा ओके कर लिया, उसके बाद सेंड पर क्लिक करते हैं और कुछ सेकेंड्स में मेल सेंड हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन सी सी एंड बी सी सी। बोथ सी सी एंड बी सी सी फॉरवर्ड अ कॉपी
ऑफ द मैसेज टू एवरी वन यू हैव लिस्टेड. दोनों के थ्रू ही हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को, कई सारे लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं. दोनों में कार्बन कॉपी बनती है. द मेन डिफरेंस बिटवीन सीसी दैट इज कार्बन कॉपी एंड बीसीसी दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज दैट विद द लेटर द रेसिपिएंट्स डू नॉट गेट टू नो ईच अदर. बीसीसी में दूसरों को पता नहीं लगता कि हमने मेल किस किस को भेजी है. यूजिंग बीसीसी प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी ऑफ योर रेसिपिएंट्स एंड हेल्प्स रिड्यूस स्पैम. बीसीसी के थ्रू प्राइवेसी भी सिक्योर होती है. When you send an email to several people using the normal 2 or CC fields, all of their email address are clearly displayed in the message. CC में या 2 में हम जो भी recipients के address लिखते हैं वो सबको visible होते हैं. If the email is forwarded, the email address of all previous recipients may also be forwarded. अगर हमने इस mail को forward किया तो जितने भी original हमारे receivers थे उन सब के address भी forward होंगे. However, when you use BCC to send email to more than one person, the email addresses of your recipients will not be displayed in the emails. और अगर हमने वही addresses BCC में लिखे होते, फिर कोई mail forward करते हैं, तो वो सारे addresses आगे forward या display नहीं होंगे. Spam versus junk mail. Spam is defined as irrelevant or inappropriate messages sent on the internet to a large number of people. Irrelevant या inappropriate, किसी का कोई मतलब के मैसेज नहीं होते या ठीक मैसेज नहीं होते, वो बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजे जाते हैं, that is called spam. Junk mail is the unwanted or unsolicited advertising or promotional material received through mail or email. जंक मेल भी कुछ ऐसी ही होती है जिनको हम नहीं चाहते, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट है, कोई प्रमोशन है, कुछ ऐसे हमारे पास मेल आ रही है, दैट इज कॉल्ड जंक मेल. दोनों टर्म्स ये लगभग सेम होती हैं, दोनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं. इन द अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट इट वॉज पॉसिबल टू सेंड ई मेल टू एवरी वन ऑन द सिस्टम. स्टार्टिंग में हम सबको मेल भेज सकते थे. These system-wide email were referred to as spam, meaning send people a lot of mail. Spammers, जो mail ऐसे spam mail send करते हैं उन्हें spammers बोलते हैं. Spammers send their message to hundreds, thousands or even millions of email addresses at once with the hope that at least a few people will respond. ये सैकड़ों हजारों या लाखों लोगों को एक साथ mail भेजते हैं और उनमें से कुछ लोग respond करते ही हैं, इसलिए ये स्पैम भेजी जाती हैं. यूजिंग सर्च इंजन. सर्च इंजन क्या चीज़ है, चलिए देखेंगे. अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट सर्चेज थ्रू अ डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर होता है ये भी सर्वर कंप्यूटर पे, जो दुनिया भर की वेबसाइट्स में से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे लिए सर्च करता है. Up till now, you were surfing internet by visiting sites known to you. पिछले वाले लेसन में या अब तक हमने जो भी साइट्स ओपन की थी उनका हमें पता था कि ये एड्रेस है या फिर ये इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगी. What if you want to view particular information but you do not know which site would provide you the information? लेकिन हमें कुछ सर्च करना है इंटरनेट पर, देखना है और हमें नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन किस साइट पर मिलेगी, तब क्या किया जाए. इन दैट केस यू नीड टू सर्च फॉर दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब. फिर उसको हम सर्च करेंगे और ये काम होता है सर्च इंजन से. फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन. सर्च इंजन के थ्रू इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं. देर आर मैनी सर्च इंजन ऑन द वेब. बहुत सारे सर्च इंजन हैं. सर्चिंग प्रोसेस इज सिमिलर ऑन दीज सर्च इंजन्स. उनकी प्रोसेस सबकी सेम होती है. सम पॉपुलर सर्च इंजन्स गूगल, बिंग, याहू सर्च, आस्क, एओएल, वाव, इन सब में हम सर्चिंग कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न द इंफॉर्मेशन सर्चिंग प्रोसेस इन वन वेरी पॉपुलर सर्च इंजन बिंग.
बिंग के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कैसे सर्च करते हैं। फर्स्ट इज गो टू द होम पेज ऑफ द सर्च इंजन, इसका होम पेज ओपन करेंगे। सेकंड टाइप द इंफॉर्मेशन टू बी सर्च फॉर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड फॉर इट, एक बॉक्स होता है जिसमें हम जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो टाइप करते हैं। नाउ क्लिक एट सर्च बटन नेक्स्ट टू इट, और इसके आगे ही नेक्स्ट बटन बना होता है उस पर क्लिक करना है सिर्फ। विद इन फ्यू सेकेंड्स द सर्च इंजन विल सर्च फॉर दैट इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले द लिंक्स ऑफ द वेब पेजेज विच आर लिंक टू योर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इन सम वे, और कुछ सेकेंड्स में ही हमारे सामने उन सभी वेबसाइट्स की जिनमें हमारी इंफॉर्मेशन है एक लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे हम ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हम लिखेंगे हमें क्या चाहिए है, ये सर्च बटन, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे हमारे पास लिस्ट बन जाती है। हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सर्च इंजन काम कैसे करता है, वो कैसे ढूंढता है वेबसाइट्स को। इन अ सर्च इंजन यू कैन टाइप कीवर्ड टू सर्च फॉर एंड अ सर्च इंजन सर्चेज देम ऑन द वेब, हम कुछ टाइप करते हैं सर्च इंजन हमारे लिए वो सर्च करता है और हमें उसकी डिटेल शो कर देता है। अ सर्च इंजन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स, स्पाइडर्स और वेब क्रॉलर्स और बॉट्स और एजेंट्स, ये सब एक ही टर्म होती हैं। द सर्च इंजन यूज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्पाइडर और वेब क्रॉलर और रोबोट और बॉट और एजेंट विच कॉम द इंटरनेट लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट एंड देयर वेब एड्रेसेस, यह सॉफ्टवेयर होता है, ये पूरे इंटरनेट में से हमारे लिए जो हमारी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट है वो सर्च करता है। द स्पाइडर और वेब क्रॉलर परफॉर्म द मेथडिकल सर्चेज नीडेड टू फाइंड इंफॉर्मेशन, कोई इनका मेथड होता है, कोई एल्गोरिदम होता है, उसके थ्रू ये सर्च करते हैं। द बोट्स और स्पाइडर्स आर गिवन डायरेक्शन बाय द सर्च इंजन एंड दे क्रॉल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, और बोट और स्पाइडर्स जो होते हैं इनको सर्च इंजन डायरेक्शन देता है कि उस सर्वर में जाके देखो। कंपाइलिंग द ह्यूज लिस्ट ऑफ यूआरएल्स गिवन बाय सर्च इंजन, सर्च इंजन को लिस्ट देता है सर्वर में, इनमें से देखना होता है। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वेब एड्रेस इज कलेक्टेड बाई बोट्स आर सेंड टू द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, जो बोट्स हैं या स्पाइडर्स हैं वो सर्वर टू सर्वर जाके सर्चिंग करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में से इंडेक्सिंग करनी होती है। द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड वेब एड्रेसेस, प्रिपेयर्स ऑन इंडेक्स ऑफ इट एंड स्टोर्स इट इन द डेटाबेस, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उस लिस्ट में से जो हमारी इंफॉर्मेशन डिजायर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके वेब एड्रेसेस अलग करते हैं और उनको ऐसे अलग से स्टोर करते हैं। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंडेक्स डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर सर्च इंजन, सम इंडेक्स एवरी वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, अदर्स इंडेक्स द डॉक्यूमेंट टाइटल ओनली, अब ये इंडेक्सिंग या जो इंफॉर्मेशन अलग से स्टोर हुई है वो किस टाइप की होगी ये डिपेंड करता है सर्वर टू सर्वर पे। सर्च एल्गोरिदम, व्हेन यू परफॉर्म अ सर्च बाय एंटरिंग कीवर्ड्स द सर्च इंजन सॉफ्टवेयर सर्चेज इट्स डेटाबेस इन विच इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर स्टोर्स इट्स एंट्रीज यूजिंग अ पर्टिकुलर सर्च मेथड कॉल्ड सर्च एल्गोरिदम एंड देन इट डिस्प्लेज द मैचिंग डॉक्यूमेंट्स और वेब एड्रेसेस। जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर इंडेक्स का जो डेटाबेस है उसमें से सर्च करता है, उसके लिए कुछ एक तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं सर्च एल्गोरिदम, और उसके बाद हमारे सामने उनकी लिस्ट शो कर देते हैं। फिगर 7.6 इलस्ट्रेट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द सर्च इंजन, इसमें देखते हैं फिगर में कैसे होता है। स्पाइडर्स कॉम द नेट collects the document and web addresses and send them to search engines indexing software. सबसे पहले तो spiders हर एक document में हर एक web address में जाते हैं
और इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर्स इन डेटाबेस। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और उनको अलग से स्टोर करता है। और उसके बाद सर्च एल्गोरिदम जो अलग से डेटाबेस स्टोर किया था उसमें से हमारे लिए डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को अलग करके लिस्ट डिस्प्ले करता है। सम सर्चिंग टिप्स, हमें क्या सर्च करना चाहिए, कैसे सर्च करना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में। टू इफेक्टिवली सर्च फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग सर्च क्वेरीज। क्या टिप्स हैं? फर्स्ट इज डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इफ यू टाइप हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द सर्च बॉक्स देन यू मे एंड अप गेटिंग लैक्स ऑफ मैचेस बट मोस्ट बींग यूजलेस। क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए क्योंकि दिस इज बिकॉज द सर्च इंजन सर्च इज फॉर ईच वर्ड इन द सर्च क्वेरी सेपरेटली। जितने ही वर्ड हमने लिखे हैं सर्च क्वेरी में सर्च इंजन उन हर एक का मैच फाइंड करेगा। दैट इज इन दिस केस योर सर्च विल सर्च फॉर वर्ड्स हु होम मिनिस्टर इंडिया सेपरेटली एंड देन डिस्प्ले ऑल द रिजल्ट्स। कॉमन वर्ड्स लाइक ए एंड इज द आर ड्रॉप्ड। क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए हमें, हमारा जो सर्च का क्राइटेरिया जो सर्च क्वेरी है उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स यूजलेस होंगे। सराउंड योर क्वेरी इन कोट्स और पुट सम पंक्चुएशन मार्क्स इफ यू वांट इट टू बी ट्रीटेड ए सिंगल फ्रेज रादर देन अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल्स सर्च आइटम्स। जो क्वेरी में हमारे पास जो स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर कोड्स है किसी के बारे में फ्रेज यूज कर रहे हैं, तो उनको हमें किसी सिंबल में जैसे पंक्चुएशन मार्क्स है या डैश होते हैं, डबल कोड्स होते हैं, ऐसे उनको लिखना चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू वॉन्ट टू सर्च फॉर द बुक टाइटल्ड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स देन यू मे राइट इट एज दिस। अगर हम सिर्फ लिखें सिंपल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखेंगे तो हमारे पास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चारों वर्ड्स का अलग अलग रिजल्ट्स हमारे पास शो होंगे, लेकिन बुक हमारे पास शो हो सकता है कि ना हो, या बहुत हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़े। और अगर इसको हम इसके ऐसे कोर्स में लिखेंगे या कुछ मार्क्स यूज़ करेंगे तो ये इसको एज ए फ्रेज एज ए सिंगल वर्ड यूज सर्च करेगा और जहाँ पर इसको चारों का एग्जैक्टली मैच मिलेगा वो रिजल्ट हमें शो होंगे। थर्ड इज यूज वाइल्ड कार्ड्स फॉर पैटर्न मैचिंग। फॉर इंस्टांस इफ यू वॉन्ट टू सर्च फॉर सर्टेन थिंग्स स्टार्टिंग विद वर्ड डी आई आर देन यू मे राइट डी आई आर स्टार। कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिनको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, जैसे इसमें एस्ट्रिस्क, ये जो स्टार एस्ट्रिस्क बोलते हैं इसको एस्ट्रिस्क यूज किया हुआ है इसमें। एस्ट्रिस्क का मतलब होता है कि इसमें स्टार्टिंग में जो दिया है वो होगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। जैसे डी आई आर लिखा है, स्टार्टिंग द विद वर्ड डी आई आर मीन्स ऐसे वर्ड सर्च करेगा जिसका स्टार्टिंग में डी आई आर है, उनके बाद में कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टर है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। एंड योर सर्च इंजन विल सर्च फॉर मैनी वर्ड स्टार्टिंग विद डी आई आर, जैसे डी आई आर ई डायर डायरेक्ट डायरेक्शन डायरेक्टिव डायरेक्टर एट्सेट्रा। द लोअर केस वर्ड्स मैचेस आर नॉट केस सेंसिटिव बट अपर केस वर्ड्स आर केस सेंसिटिव। मोस्टली हम सर्च जो लोअर वर्ड्स में करते हैं, ये क्या होता है कि अगर हमने लोअर वर्ड्स में सर्च लिखा है तो ये लोअर केस और अपर केस दोनों को सर्च करेगा, लेकिन अगर हम सर्च बॉक्स में कैपिटल यानी कि अपर केस में हमारा क्वेरी डालते हैं तो ये सिर्फ अपर केस के ही रिजल्ट शो करेगा।
दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव. अपर केस वर्ड्स आर केस सेंसिटिव. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट प्रोग्राम इन स्मॉलर वर्ड्स इट विल मैच विद प्रोग्राम और प्रोग्राम्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, जैसे स्मॉल में है, मिक्स है, या सारे अपर केस में है. बट इफ यू राइट पी आर ओ ये कैपिटल में ग्राम, देन इट विल मैच प्रोग्राम पी आर ओ कैपिटल में ओनली. टू स्पेसिफाई दैट अ वर्ड और फ्रेज मस्ट अपियर इन मैच डॉक्यूमेंट्स पुट अ प्लस साइन इमिजिएटली बिफोर इट. अगर हम चाहते हैं कि कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तो उससे पहले हम प्लस साइन लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोस्टन यूनिवर्सिटी, दिस विल मैच विद वेब पेजेस हैविंग बोथ द वर्ड्स बोस्टन एंड यूनिवर्सिटी. दोनों वर्ड्स जिसमें भी होंगे वो दिखाएगा ओनली. टू स्पेसिफाई दैट अ वर्ड और फ्रेज मस्ट नॉट अपीयर इन द मैच डॉक्यूमेंट्स पुट अ माइनस साइन इमिजिएटली बिफोर इट. अब हम चाहते हैं कि ये वर्ड ना हो उसमें, उसके लिए माइनस लिख देते हैं. मतलब कुछ ये क्राइटेरिया है, कुछ मेथड्स है सर्च करने के कि हमें कैसे कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं सर्चिंग के लिए. इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया. सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज करते हैं इसका. होता क्या सोशल मीडिया? सोशल नेटवर्किंग इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज और अ नेबरहुड सब डिविजन. इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में इकट्ठा कर देना सोशल कहलाता है. जैसे सोसाइटी होती है, हमारा सर्कल होता है. ऑल्दो सोशल नेटवर्किंग इज पॉसिबल इन पर्सन, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज, हाई स्कूल्स और इन द वर्क प्लेस, इट इज मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन. वैसे तो सोशल सोसाइटी बनती है, सोशल नेटवर्किंग जो होती है वो एक लिमिटेड एरिया में होती है, लाइक हमारा वर्क प्लेस है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारा नेबर है, कुछ ऐसे होती है. लेकिन ये ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. When it comes to online social networking, websites are commonly used. अब ऑनलाइन की बात है तो वेबसाइट्स का यूज होगा. These websites are known as social sites. और उन वेबसाइट्स को बोलते हैं social sites. Social networking websites function like an online community of internet users. जैसे community होती है हमारी, वैसे ही online community बनती है ये. Depending on the website in question, many of these online community members शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट सच एज हॉबीज, इंटरेस्ट और पॉलिटिक्स. हम जैसे हमारी कम्युनिटी होती है, वैसे ही यहाँ पर हमारे ऑनलाइन मेंबर्स होते हैं, वो आपस में कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं. डेफिनेशन दी हुई है सोशल नेटवर्किंग की. सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स टू मेक कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स. इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स का यूज़ करना, यूज़ किस लिए करना? टू मेक कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स, कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए. वंस यू आर ग्रांटेड एक्सेस टू अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यू कैन बिगिन टू सोशलाइज. वही हमने एक बार एक्सेस बनानी होती है साइट में, मैंने अपना अकाउंट बनाना होता है और हम उसमें यूज कर सकते हैं. दिस सोशलाइजेशन में इंक्लूड रीडिंग द प्रोफाइल पेजेस ऑफ अदर मेंबर्स एंड पॉसिबली इवन कॉन्टेक्टिंग देम. इसमें हम उनके प्रोफाइल पेजेस हैं उनको रीड कर सकते हैं, उनकी हॉबीज जान सकते हैं, उनके बारे में देख सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेशन क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट की? अ सोशल नेटवर्किंग साइट इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ वेन्यू फॉर पीपल टू शेयर देयर एक्टिविटीज with family, friends and colleagues or to share their interest in a particular topic. Website होती है जिसके थ्रू हम आपस में अपनी एक्टिविटीज़ को अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं और मेम्बर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं. कुछ साइट दी हुई हैं, फेसबुक, गूगल प्लस, लिंकडिन, ट्विटर, ऐसे होते हैं. So in short, we can say that social networking sites, also called social media, are internet sites where people interact freely, sharing and discussing information about each other and their lives using a multimedia mix of personal words, picture, video and audio. ये definition है social networking sites की.
वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कई सारी साइट्स बनी होती हैं इसके लिए भी, इंक्लूडिंग ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, फोरम, मैसेज बोर्ड्स, सोशल नेटवर्क, विकीज, चैट रूम्स, इन सब के थ्रू हम शेयरिंग या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सम पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर फेसबुक, लिंक्डइन, माई स्पेस, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टाइपैड, लाइव जर्नल, विकिपीडिया, वेट पेंट, विकी डॉट, सेकेंड लाइफ, कुछ ऐसे हैं नाम। कुछ पॉपुलर जो सोशल साइट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। फेसबुक, दिस इज द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड। हियर यूजर कनेक्ट विद वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स बनाते हैं मोस्टली। सबसे बड़ी साइट है ये आज के टाइम में दुनिया की नेटवर्किंग साइट में। फ्रेंड्स गेट अपडेट्स अबाउट अदर फ्रेंड्स थ्रू पोस्ट ऑन वॉल्स एंड अदर एक्टिविटीज लाइक लाइकिंग द पोस्ट एंड शेयरिंग ऑफ द पोस्ट। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में पता लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम द एबिलिटी टू नेटवर्क विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यू कैन ऑल्सो एक्सेस डिफरेंट फेसबुक एप्स टू सेल ऑनलाइन एंड यू कैन इवन मार्केट और प्रमोट योर बिजनेस ब्रांड एंड प्रोडक्ट बाई यूजिंग पेड फेसबुक एड्स। फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयरिंग के अलावा हम अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अपना बिजनेस है या कोई भी अपने बारे में प्रमोट करना है तो हम उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद अदर्स बाय द यूज ऑफ मैसेज सेंड ऑनलाइन। अगर हमने ऑनलाइन मैसेजिंग करनी है, ऑनलाइन चैटिंग करनी है तो उसके लिए सबसे जो पॉपुलर है वो व्हाट्सएप है। Started with the text message, WhatsApp later allows sharing of audio, video and now audio and video calls too. इसमें स्टार्टिंग में जो था ओनली टेक्स्ट मैसेजेस सेंड होते थे, लेकिन आज हम इसमें ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इट गिव्स पीपल द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंस्टेंटली विद इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, शेयरिंग कर सकते हैं इसमें। Twitter is known as the real-time public microblogging network where news breaks first. Real-time blogging type में है ये। Here short messages with a limit of 280 characters are posted. 280 characters तक के मैसेज हम इसमें पोस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको microblogging बोलते हैं। और जो पोस्ट हम इसमें करते हैं उन्हें बोलते हैं ट्वीट्स। YouTube हैज बिकम द डे फैक्टो नेम फॉर शेयरिंग वीडियोस ऑनलाइन। शेयरिंग वीडियोस को ऑनलाइन शेयर करने के लिए जो नेम आता है वो YouTube का आता है। YouTube इज अनडाउटेडली द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो बेस्ड सोशल मीडिया वेबसाइट। दुनिया की वीडियो बेस्ड सबसे बड़ी जो वेबसाइट है सोशल मीडिया के लिए वो YouTube है। YouTube has over 1 billion website visitors per month and is the second most popular search engine behind Google. YouTube में हर महीने 1 billion लोग विजिट करते हैं और Google के बाद सबसे बड़ा सर्च इंजन यही है। Digital India is an ambitious project of the Government of India to make the country digitally empowered in the field of technology, launched by Government of India on 1st July 2015. Government of India ka ek project hai Digital India naam se, taki hamare country mein sare kaam digitally ho. The aim of Digital India is to ensure the government services are made available to citizens electronically by improved online infrastructure and by increasing internet connectivity or by making the country digitally empowered in the field of technology. Digital India project शुरू क्यों किया गया था? ताकि जितनी भी government services हैं वो public तक online पहुंच सके एंड बाय इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है वो शुरू क्यों किया गया था? ताकि पहले तो हम ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाएं और कंट्री को टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा पावरफुल बनाएं, जिससे कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं
वो पब्लिक तक इजीली पहुंच सके। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स प्लान्स टू कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स। इसमें क्या किया गया है, जो रूरल एरियाज है, जो गांव के एरियाज है, जो दूर के एरियाज होते हैं, वहां पर भी हमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी है। डिजिटल इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री कोर कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट है इसके। द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली एंड यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। फर्स्ट इज एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए डिजिटल और ऑनलाइन, इसी थ्रू ये सारे काम हो सके। सेकेंड, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सारी ऑनलाइन एक्सेस या डिलीवर हो सके। थर्ड, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यानी कि हर एक को डिजिटल की ऑनलाइन की नॉलेज हो। ऑब्जेक्टिव्स आर लिस्टेड इन द फिगर बिलो। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया था। टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू इंडिया सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली, टू कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क, टू इम्प्रूव इंडियाज ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू इंक्रीज इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इंडिया। नाइन पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो है ये सक्सेसफुल कैसे होगा, तो इसके नाइन पिलर्स हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे, हाई स्पीड इंटरनेट हो, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, हर एक के पास स्मार्टफोन हो, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, हर एक पब्लिक के पास इंटरनेट हो, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा इम्प्रूव हो, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज, सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से यानी कि ऑनलाइन डिलीवर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट्स, मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं इसके लिए, कंप्यूटर के हैं, मोबाइल्स के हैं, वो सारे हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर हो, मीन्स उनका हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े। आईटी फॉर जॉब हाईवेज, आईटी के एक्सपर्ट्स हो, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सबके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप्स हों जो रियल टाइम में काम कर सकें। डिजिटल इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री कोर कंपोनेंट्स, ये ऊपर वाली बात है जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम। डिजिटल फैसिलिटीज एज रिलेटेड टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। कॉमन डिजिटल इंडिया सर्विसेज एंड इनिशिएटिव्स आर, जो काम डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में हो चुके हैं, डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, गवर्नमेंट पोर्टल, अटेंडेंस डॉट जी ओ वी डॉट इन, ई साइन, ई हॉस्पिटल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एस बी एम मोबाइल ऐप, ये सारे काम हो चुके हैं। डिजिटल लॉकर में क्या होता है, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे हम एक ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। ई एजुकेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम स्टडी करते हैं ऑनलाइन। गवर्नमेंट पोर्टल माई गवर्नमेंट डॉट इन है, इस पर सारी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के बारे में। अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है। ई साइन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक साइन सिस्टम है। ई हॉस्पिटल, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम निकालती है वो सारी हम देख सकते हैं। एस बी एम मोबाइल ऐप, स्वच्छ भारत मिशन ऐप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।